हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग जो द रेस चैप्टर शुरू किए थे क्लास 9 का, उसको मैं आगे कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ तक हम लोग कवर कर चुके थे। ओके, तो अगर कोई स्टूडेंट नए हैं मेरे चैनल में, तो पहले आप पार्ट 1 वीडियो को देखेंगे। द रेस जो चैप्टर है ना, स्पोर्ट्स से बेसिस जो यूनिट दिया गया है आप लोगों को, है ना। तो सबसे पहले हम लोग, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, पहले मैं रीड करती हूँ, उसके बाद में एक्सप्लेनेशन। ओके, तो जब तक मैं रीड कर रही हूँ, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से मोबाइल को देखेंगे। सन, आई हैव बीन वॉचिंग यू फॉर द पास्ट 45 मिनट्स, कंटिन्यूड राम नारायण, एंड आई सी अ गुड फ्यूचर इन यू। तरुण कुड नॉट हेल्प बट ब्लश। ऑल यू नीड टू डू इज कीप that passion burning in you and never give up. Have you joined some training school? Tarun's smile turned to distress. A training school is very expensive, sir, and I am unemployed, said Tarun, feeling happy that he could joke even in these circumstances. But Ram Narayan seemed pretty serious. I can train you if you want, but I have one condition. What condition? Tarun's voice showed a sense of urgency. There is a race on the Children's Day at the Nehru Stadium. Children of your age are competing there. If you win that race, I will start training you, said Ram Narayan. That is no big deal, thought Tarun. I will, sir, he heard himself say with complete conviction. Fine boy, it is my job to get you entry in the race, and remember, yours to win it. Tell me, what is your name? Asked Ram Narayan. Tarun Kapoor, sir. Tarun, I will meet you here after 5 days to give you your participation card. All the best, said Ram Narayan and left. देखो, जब तरुण राम नारायण जी से मिलता है तो आश्चर्य से उनको देखता है ना। तब तरुण को राम नारायण क्या बोलते हैं, सन, आई हैव बीन वॉचिंग यू फॉर द पास्ट 45 मिनट्स, बेटे मैं तुम्हें पिछले 45 मिनट से देख रहा हूँ। राम नारायण जी ने बोलना जारी रखा, आई सी अ गुड फ्यूचर इन यू, और मैं तुम में अच्छा भविष्य देखता हूँ। तरुण कुड नॉट हेल्प बट ब्लश, तरुण कुछ न कह सका, लेकिन ब्लश यानी लज्जित होना, है ना, लेकिन लज्जित हो गया, शर्मा गया। All you need to do is keep that passion burning if you and never give up. तुम्हें बस इतना करने की आवश्यकता है कि तुम में जो भावावेश है, जो पैशन है ना, जो एक्साइटमेंट है, उसे अपने में ज्वलंत रखना बस, है ना, और कभी भी उसे नहीं छोड़ना है। Have you joined some training school? क्या तुम किसी प्रशिक्षण स्कूल में जुड़ सकते हो? तरुण्स स्माइल टर्न्ड टू डिस्ट्रेस, तरुण की जो हंसी थी वो हमेशा, मतलब तरुण की हंसी हताशा में बदल गई, ठीक है, डिस्ट्रेस यानी हताशा। तरुण की मुंह में, तरुण की चेहरे पे जो खुशी थी, जो हंसी थी, वो हताशा में बदल गई जब वो क्या ट्रेनिंग स्कूल के बारे में सुना, है ना, प्रशिक्षण स्कूल। अ ट्रेनिंग स्कूल इज वेरी एक्सपेंसिव सर, एंड आई एम अनएम्प्लॉयड, प्रशिक्षण स्कूल जो है वो बहुत खर्चीली होते हैं सर, और मैं बेरोजगार हूँ। कौन बोला? तरुण ने कहा, खुशी महसूस करते हुए कि इन परिस्थितियों में भी वह मजाक कर सकता है। तरुण को ऐसा लग रहा था, है ना, तरुण को क्या लग रहा था कि राम नारायण मेरे से मजाक कर रहे हैं, ठीक है। बट राम नारायण सीम्ड प्रीटी सीरियस, किंतु राम नारायण अधिक गंभीर लग रहे थे, सीरियस लग रहे थे। आई कैन ट्रेन यू इफ़ यू वांट, मैं तुम्हें ट्रेनिंग दे सकता हूँ, मैं तुम्हें प्रशिक्षित कर सकता हूँ यदि तुम चाहो। बट आई हैव वन कंडीशन, लेकिन मेरे एक शर्त है। व्हाट कंडीशन, क्या शर्त? तरुण्स वॉइस शोड अ सेंस ऑफ अर्जेंसी, तरुण की आवाज़ कहने का आशय जानने को शीघ्रता में दिख रहा था, सेंस ऑफ अर्जेंसी, ठीक है। तरुण जानने की इच्छुक हो रहा था कि आखिर वो कंडीशन क्या है। देयर इज अ रेस ऑन द चिल्ड्रंस डे एट नेहरू स्टेडियम, बाल दिवस के अवसर पर नेहरू स्टेडियम में दौड़ का कंपटीशन है, और चिल्ड्रन
ऑफ योर एज आर कॉम्पिटिटिंग देअर, तुम्हारे उम्र के बच्चे वहाँ प्रतिस्पर्धा करेंगे, कॉम्पिटिशन करेंगे, ठीक है। इफ़ यू विन दैट रेस, यदि तुम वह दौड़ जीतते हो तो क्या होगा, आई विल स्टार्ट ट्रेनिंग यू, मैं तुम्हें ट्रेनिंग देना शुरू कर दूंगा, प्रशिक्षण देना शुरू कर दूंगा, रामनारायण ने कहा। दैट इज नो बिग डील, थॉट तरुण, वह कोई बड़ी शर्त नहीं है, क्योंकि तरुण हमेशा दौड़ते रहता था, है ना। आई विल सर, मैं करूंगा सर। ही हर्ड हिमसेल्फ से विथ कंप्लीट कन्विक्शन, वह स्वयं को पूर्ण यकीन के साथ कहने सुना, ठीक है, मतलब उसमें कॉन्फिडेंस आ गया, अच्छा यही शर्त है। फाइन बॉय, इट इज माई जॉब टू गेट यू एंट्री इन द रेस, बहुत अच्छा लड़का, यह मेरा कार्य है कि तुम्हें दौड़ में प्रवेश मैं दिलाऊंगा, ठीक है। एंड रिमेंबर यूवर्स टू इन ईट, लेकिन याद रखना इसे तुम्हें जीतना है। टेल मी व्हाट इज योर नेम, मुझे बताओ आपका नाम क्या है बेटा, आस्क्ड रामनारायण, रामनारायण ने पूछा। तरुण, तरुण कपूर सर, तरुण आई विल मीट यू हेयर आफ्टर 5 days टू गिव यू योर पार्टिसिपेशन कार्ड, तरुण मैं तुम्हें यहाँ 5 दिनों बाद मिलूँगा तुम्हें तुम्हारा पार्टिसिपेशन कार्ड देने के लिए, सब अच्छा हो, ऑल द बेस्ट, सब अच्छा हो, रामनारायण ने कहा और वे चले गए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, द नेक्स्ट डे ब्रॉट अ न्यू रे ऑफ होप, तरुण गॉट अप ईयरली, हैड मिल्क एंड बिफोर हिज मदर कुड फिनिश हर क्वेरी ऑन व्हाट ही वाज अप टू, ही रैन आउट एंड वेंट टू द नेहरू स्टेडियम टू चेक द डिटेल्स ऑफ द रेस, ही वाज वेरी हैप्पी इंडीड। तरुण स्टार्टेड प्रिपेयरिंग विथ जील, एवरी डे ही वुड गेट अप एट 4 in the morning एंड रन 10 miles, इन द इवनिंग ही वुड टाइम हिमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द 1000 meter डिस्टेंस प्रिस्क्राइब्ड बाय द कॉम्पिटिशन, ही वॉन्टेड एवरी थिंग टू बी परफेक्ट एंड ही ऑल्सो वॉन्टेड समवन टू बैक हिम अप एंड सो ही टोल्ड हिज मदर एवरी थिंग। तरुण प्रैक्टिस्ड वाइगरसली फॉर 5 days एंड देन मेट रामनारायण टू कलेक्ट हिज पार्टिसिपेशन कार्ड, तरुण गेज्ड एट द पीस ऑफ पेपर व्हिच मीन्ट सो मच टू हिम, नो मैटर व्हाट ही हैड टू विन दिस रेस, ही वॉन्टेड टू शो हिज फादर दैट ही वॉज नॉट रियली द ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली एंड दैट ही कुड बी गुड एट समथिंग एट लीस्ट। तो क्या होता है बच्चों, तरुण उतना बोल के चले गए, है ना। द नेक्स्ट डे बॉट अ न्यू रे ऑफ होप, अगला दिन आशा की नई किरण लेकर आया। तरुण गॉट अप ईयरली, तरुण जल्दी उठा, हैड मिल्क यानी दूध पिया, बिफोर हिज मदर कुड फिनिश हर क्वेरी ऑन व्हाट ही वॉज अप टू, और इससे पहले कि उसकी माँ प्रश्न पूरा कर पाती कि वह जल्दी क्यों उठा, वो कहाँ चला गया, वेंट टू द नेहरू स्टेडियम, वो बाहर दौड़ के चला जाता है नेहरू स्टेडियम की ओर, ठीक है, टू चेक द डिटेल्स ऑफ द रेस, और क्यों गया, वो रेस के बारे में जानकारी लेने के लिए, है ना। ही वॉज वेरी हैप्पी इंडीड, वह वास्तव में बहुत खुश था। तरुण स्टार्टेड प्रिपेयरिंग विथ जील, तरुण ने उत्साह के साथ तैयारी शुरू की। एवरी डे ही वुड गेट अप 4, प्रतिदिन वह सुबह कितना बजे उठ जाता 4 बजे, है ना, इन द मॉर्निंग एंड रन 10 miles, और 10 मील दौड़ता था। इन द इवनिंग, शाम के समय में, ही वुड टाइम हिमसेल्फ, प्रतियोगिता के निर्धारित नियम अनुसार, अकॉर्डिंग टू 1000 meter डिस्टेंस प्रिस्क्राइब्ड बाय द कॉम्पिटिशन, 1000 meter दूरी के लिए स्वयं को समय देता था, यानी रोज प्रैक्टिस करता था सुबह शाम, ठीक है। ही वॉन्टेड एवरी थिंग टू बी परफेक्ट, वह सब कुछ एकदम ठीक ठीक चाहता था, अब इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, है ना, वैसा तरुण चाहता था। ही ऑल्सो वॉन्टेड समवन टू बैक हिम अप एंड सो ही टोल्ड हिज मदर एवरी थिंग, वह यह भी चाहता था कि कोई पीछे से उसका समर्थन करे, इसलिए वह अपनी माँ को सब कुछ बताया करता था। तरुण प्रैक्टिस वाइगरसली फॉर 5 days, तरुण ने 5 दिनों तक उत्साह से अभ्यास किया, है ना, वाइगरस मतलब क्या होता है, उत्साह के साथ, आशीर्वाद, ठीक है।
एंड देन मेट राम नारायण टू कलेक्ट हिज पार्टिसिपेशन कार्ड. फिर वह अपने पार्टिसिपेशन कार्ड को कलेक्ट करने के लिए लेने के लिए रामनारायण जी से मिला. तरुण गेज्ड एट द पीस ऑफ पेपर. तरुण पेपर के टुकड़े जो पार्टिसिपेशन कार्ड उसे मिला उसको ध्यान से देख रहा था. विच मीन्ट सो मच टू हिम जो कि उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था. नो मैटर व्हाट ही हैड टू विन हिज रेस. कोई मामला नहीं था उसे यह दौड़ तो जीतना ही था. ही वॉन्टेड टू शो हिज फादर दैट ही वॉज नॉट रियली द ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली एंड दैट ही कुड बी गुड एट समथिंग एट लीस्ट. वह अपने पिता को दिखाना चाहता था कि वह परिवार के लिए नकारा नहीं है, ब्लैक शीप नहीं है और कम से कम कुछ अच्छा कर सकता था. ठीक है, ये उसके पिताजी को दिखाना चाहता था. Then came November 14. After taking the blessing of his mother, Tarun pedaled away to the stadium. There was a huge crowd waiting to go inside. Tarun entered the office when a signboard read "Participants only," with his heart beating faster every second. Inside there were about 50 participants waiting for the race to begin. तब क्या हो गया, 14 नवंबर आ गया है ना. माँ के आशीर्वाद लेने के बाद तरुण पैडल्ड अवे, मतलब तरुण पैदल चलकर स्टेडियम को गया. देयर वॉज अ ह्यूज क्राउड वेटिंग टू गो इनसाइड, और वहाँ अंदर विशाल भीड़ प्रतीक्षा कर रही थी. तरुण एंटर द ऑफिस. तरुण ऑफिस में प्रवेश किया जहाँ पर एक बोर्ड को देखा और बोर्ड में क्या लिखा था, पार्टिसिपेंट्स ओनली, केवल प्रतिभागी ही अंदर जा सकते हैं. विथ हिज हार्ट बीटिंग फास्टर एवरी सेकेंड, और प्रत्येक सेकेंड उसकी हृदय की गति, धड़कन की गति जो है बढ़ रही थी. इनसाइड देयर वेयर अबाउट 50 पार्टिसिपेंट्स वेटिंग फॉर द रेस टू बिगिन. अंदर दौड़ प्रारंभ होने की प्रतीक्षा में लगभग कितने पार्टिसिपेंट्स, 50 पार्टिसिपेंट, 50 प्रतिभागी वेट कर रहे थे. ठीक है स्टूडेंट्स, बस आज के लिए इतना करेंगे और एक वीडियो में आपका चैप्टर जो द रेस है वो ख़त्म हो जाएगा. ठीक है स्टूडेंट्स, और जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल में पहली बार आए हैं मैं उन लोग को बता देना चाहती हूँ कि मेरे चैनल में आप लोगों को इंग्लिश क्लास 9 और क्लास 10 का जो असाइनमेंट आप लोगों को मिल रहा है, सीजी बोर्ड की मैं बात कर रही हूँ, तो उसको उससे रिलेटेड सॉल्यूशन मैं अपना वीडियो में अपना चैनल में डालती हूँ. तो जो स्टूडेंट्स असाइनमेंट में डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे हैं तो मेरे चैनल में आके मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपना फ़ायदा अपना लाभ उठा सकते हैं. अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं, आपको हेल्पफुल लग रहे हैं तो प्लीज़ स्टूडेंट्स लाइक करना मत भूलना, और आप लोगों की लाइक ही हमारी मोटिवेशन है. ठीक है, जितना ज़्यादा लाइक करोगे उतना ज़्यादा हम लोगों को मोटिवेशन मिलेगा और हम लोग उतना अच्छे अच्छे वीडियो लेके आपके सामने आएंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, टेक केयर, नए वीडियो तक बाय.